मोहन सिंह ने भी आप पर निशाना साधा कि मार्केटिंग टैक्टिक के तहत ये किया है नटवर सिंह ने, दूसरे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये मर्यादा का उल्लंघन किया है। देखिए ऐसा है ना, मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि ये गिमिक पलटी बड़ी ओछी बात है जी। जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके 10 साल के लिए, ये घटिया बात वो कर रहे हैं सोनिया को खुश करने के लिए जी। तो मैं क्या करता अपने पब्लिक से कहता मेरी दुकान मत बेचो किताब को, क्योंकि माने उसके तो मैं उनको कोई अहमियत नहीं है जो उन्होंने कहा है। ही इज इरेलेवेंट। क्यों आप पता ही रहे? उन्होंने कहा कि विवाद इसलिए खड़ा किया प्रीफेस में आपने नाम दिया है। किसने कहा? वो उन्होंने नहीं कहा, प्रीफेस में आपने सोनिया राहुल प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नाम दिया। सोनिया गांधी पर एक अलग चैप्टर लिखा जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद मनमोहन सिंह ने ये बातें कही कि मार्केटिंग टैक्टिक के तहत नटवर सिंह ऐसा कर रहे हैं। अरे कौन अहमियत देता है मनमोहन सिंह को? आप देते हैं अहमियत, मुल्क देते हैं अहमियत? रोज जाकर बैठ जाते हैं राज्यसभा के अंदर, कोई देखता भी नहीं है, क्यों जाते हैं वहां? घर रहिए अपने आराम से। लेकिन मनमोहन सिंह कह चुके, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं नटवर सिंह साहब, क्योंकि उनके साथ आप रहे भी हैं? देखिए ऐसा, यूपीए टू ने बहुत बढ़िया काम किया। यूपीए टू, यूपीए वन, वन यूपीए टू में तो बटा बैठ गया, कौन जिम्मेवार है? लेकिन मनमोहन सिंह ये बात अक्सर कहते हैं कि इतिहास उन्हें एक याद करेगा, उनके बारे में मूल्यांकन करेगा कि वो कैसे प्रधानमंत्री। मैंने उसको जवाब दिया जी कि विंस्टन चर्चिल ने लॉर्ड कर्जन की जिंदगी पर जो टिप्पणी करी हुई थी कि सुबह तो था सोना और दोपहर था चांदी और शाम थी तांबा, तो कर्जन की जगह मनमोहन सिंह को ले लीजिए आप। ये कहते हैं कि मेरी हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी। देखिए हिस्ट्री तो उनकी तवज्जो भी नहीं देगी, एक फुटनोट होगा शायद, किस मुगालते में रह रहे हैं ये? लेकिन आप ये आपको नेता है जी, लेकिन आपको डिफेंड भी किया था जब विदेश मंत्री न बनने की बात चल रही थी, अमेरिकी दबाव में काम किया जा रहा था, सोनिया गांधी ने भी कहा था, तो उस समय मनमोहन सिंह ने आपको डिफेंड किया। अरे दो हफ्ते बाद क्या हो गया? फिर क्यों नहीं किया डिफेंड? क्यों नहीं खड़े हुए? सोनिया गांधी ने क्या कहा था अमेरिकी दबाव के बारे में, वो विदेश मंत्रालय को लेकर? सोनिया गांधी ने नहीं, 2000 में कहा था। हाँ। मनमोहन सिंह ने कहा था बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे आपको विदेश मंत्री बनाने, क्योंकि मेरा दबाव है अमेरिकन से और अमेरिका मुल्कों को डी स्टेबलाइज करता है, हमारे को भी कर देगा। सोनिया गांधी ने क्या कहा? सोनिया कहा कि मुझे बड़ी मुश्किल हो रही, कोई एडमिनिस्ट्री ले लू, तो मैंने तो इसी काम को जानता हूं मैं, तो नहीं लिया दूसरी को। उन्होंने कहा मेरे बड़ा प्रेशर है अमेरिका से, तो दो राय नहीं। वोल्कर रिपोर्ट को लेकर आपने कहा कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, कौन हो सकता है उस षड्यंत्र के पीछे? जाहिर सी बात है कोई भारतीय नेता होगा, कांग्रेस का नेता था या कोई मंत्री था, कौन हो, या कोई विदेश ताकतों का हाथ? जी कहा गया कि आप बदले की भावना से ये किताब लिखी आपने, क्योंकि कांग्रेस से जिस तरह से आप लोगों को निष्कासित किया गया, ये सभी नेता कह रहे हैं कि बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं, आपके पूर्व सहयोगी भी रहे हैं कई कांग्रेस नेता, कांग्रेस की यही लाइन है सर? अरे 50 साल कांग्रेस वालों ने टेलीफोन किया है कि आपने अच्छा से ये लिख दिया, मेरी बदले की भावना मेरा स्वभाव ही नहीं है। अगर जिंदगी एक छोटी सी जिंदगी है उसमें आप बैर करिए, बिटरनेस करिए, रिवेंज लीजिए, वो तो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। अगर मैं ऐसा घटिया काम करूंगा मैं अपनी निगाह में गिर जाऊंगा, मैं अपना चेहरा देखता हूं सर उठाकर रोजाना, ऐसा काम करूंगा तो सर झुकाकर देखने पड़ेगा मुझे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी में बढ़ाने के लिए आपने ये किताब लिखी है। अब देखिए अब विजय दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता है, उनके सामने मैं तो नाचीज हूं, मैं तो उपवाले कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दे। फरवरी में आप नरेंद्र मोदी से भी मिले थे अपने बेटे के साथ, वो क्या था पूरा मामला? मैं गया था उनसे मिलने के लिए ये कहने के लिए कि आपने 6 महीने से भाषण दिए विदेश नीति का जिक्र नहीं किया, तो मैं जब मिला उनसे 4 फरवरी को तो मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं बतौर एक भारतवर्ष के सिटीजन के नाम पर आया हूं, क्योंकि मैं सुनता हूं आपकी स्पीच, दुनिया सुनती हिंदुस्तान सुनता है, आपने आज तक जिक्र नहीं किया विदेश नीति का, आप प्रधानमंत्री बनेंगे उम्मीद है तो आप फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे, तो आपको कहना चाहिए तो उन्हें बताइए। मैंने कहा आप देखिए फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में क्या अंतर है, फॉरेन पॉलिसी हम क्या करते हैं, डिप्लोमेसी हम कैसे करते हैं, दोनों मिलकर करनी चाहिए। और मैंने कहा पिछले 60 बरस से
विदेश नीति पर एक राष्ट्रीय सहमति है, उसका ढांचा बदला नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत बदल लीजिए इसके अंदर। और मैंने कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनको हमने तवज्जो नहीं दी है, जहां तक मुझे याद है मैंने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ना पाकिस्तान गए, ना नेपाल गए, ना भूटान गए, ना श्रीलंका गए, ये मुझे ये वहां गए थे बांग्लादेश। मैंने कहा आप शुरुआत करिए अपने सार्क पड़ोसियों से। किस तौर पे देखते हैं आप नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आप मिले भी हैं और उनकी पॉलिसी अब तक जो प्रधानमंत्री बने उन्हें 2 से 2.5 महीने हो गए। मैं तो उनसे एक दफे मिला हूं जी, मेरे उसमें कोई संपर्क नहीं है उनसे। पॉलिसीज के लिए मिलने की जरूरत नहीं जी, पॉलिसीज के लिए मिलने की जरूरत नहीं। किस लिए मिलने की जी? भाई वो प्राइम मिनिस्टर, मेरी 83 साल की उम्र हो गई है, मैं तो भटकता फिरूंगा इस तरह से, कोई जरूरत नहीं मुझे। उन्हें किस तरह के नेता के तौर पर? देखिए अभी तो 2.5 महीना हुआ है जी, देखेंगे। पर यह जरूर है कि मोदी साहब लीडर हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह लीडर नहीं थे, और बैठे रहे थे राज्यसभा में सन 1991 से, और पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो लोकसभा में नहीं। जब ये न्यूक्लियर डील पर वोटिंग हुई तो मनमोहन सिंह जी लोकसभा में वोट नहीं कर पाए, जो राज्यसभा के मेंबर हैं। आप यानी कहना चाहते कि प्रधानमंत्री पद के योग्य वो उम्मीदवार नहीं थे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो उन्होंने किया सबको उम्मीद थी, और UPA 1 में बहुत अच्छा काम हुआ, UPA 2 में सारे षडयंत्र आए, ऐसा करप्शन हुआ, ये हुआ तो रोका क्यों नहीं हमने? नटवर सिंह साहब, 2004 में जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, आपको क्या लगता है कि 2000 और कोई कांग्रेस नेता, कांग्रेस का दूसरा वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री के योग्य हो सकता था तब? देखिए मेरी राय नहीं है तो कांग्रेस की राय क्या होती? नहीं नहीं, मेरी राय सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया, हमने सब मंजूर किया, लेकिन कई वरिष्ठ नेता नाराज थे। अरे मुझे नहीं, मैं नाराज हूँ तो नागर दिखाई तो नहीं उन्होंने, मुझे नहीं, वो सोने के पास गए करने के लिए कि आपने क्या कर दिया, ये किसी की हिम्मत होती? आपने ये भी कहा है कि सोनिया की जो शैली है, सोनिया गांधी की, वो तानाशाही प्रवृत्ति की है, रूथलेस साइड ऑफ सोनिया गांधी, ये भी लिखा है किताब में, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे? इसका मतलब ये है कि कोई उनसे बहस करता है और जो करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। इसमें गुजर रहा नहीं कि बगैर उनके, जैसे मैंने आपसे कहा कि पत्ता नहीं हिलता कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले डिबेट होती थी पंडित जी के जमाने में, बहस होती थी वर्किंग कमेटी में, AICC में, इंदिरा जी के जमाने में होती थी, बड़े नेता थे राज्य के जमाने में होती थी, अब कोई बहस नहीं होती। किसी ने कहा कि आप पब्लिक में आप गलत काम कर रही हैं? जवाहरलाल जी बहुत लोगों ने कहा, इंदिरा जी के बहुत लोगों, सारा सिंडिकेट कहता था उनके लिए, और राजीव के खिलाफ कितने लोगों ने नहीं कहा, तो राजीव भागते ही गए, किसी मुंह तो बंद नहीं किया। अब क्यों नहीं होती है डिबेट? ऐसा पहली बार हो रहा है और क्या, मैंने नाम तो बता दिए, मुझे मिसाल दे दी जवाहरलाल के जमाने का, इंदिरा जी के जमाने का, राजीव जी के जमाने का। डेमोक्रेसी के माने क्या है? डिबेट होनी चाहिए, खोल के डिबेट होनी चाहिए, AICC होनी चाहिए, वर्किंग कमेटी होनी चाहिए, AICC की मीटिंग कब होती है? संजय बारू ने जो किताब लिखी थी लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें इस बात के बारे में ज्यादा प्रकाश डाला गया था कि जो फाइलें थी मनमोहन सिंह सरकार की, वो सोनिया गांधी 10 जनपद भेजा जाता था फाइलों को। इस बात पर आप भी सहमति जताते हैं? क्यों, मैंने बता दिया आपको ना, मेरा खुद किसे बता दिया और उनका भी बता दिया। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि वो कौन था जो आपके मंत्रालय की बात 10 जनपद तक पहुंचा था। मैंने आपसे कह दिया ना, 96 वर्ष की निवारे मर रहे हैं बेचारे, इसलिए नाम नहीं लेता। उनका नाम आप नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये सम प्रॉपर्टी सब मैंने कुछ नहीं लिखा है, लोग बहुत सी बातें मैंने नहीं लिखी है, जो परिवार की प्राइवेट लाइफ के लिए, और ना कभी लिखूंगा, कोई दो राय नहीं। 22 अध्याय में ये किताब लिखी है नटवर सिंह साहब आपने, 22 चैप्टर्स हैं इसमें, आपके लिए सबसे महत्व का चैप्टर कौन है, आपके पसंद का, क्योंकि आपकी आत्मजीवनी है इसमें? राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, पाकिस्तान का, चीन का, और एक चैप्टर है किताब में सोनिया जी का, और उसको बना दिया है सोनिया सेंट्रिक, और भी कुछ करियर। सोनिया सेंट्रिक तो आपने खुद बनाया, प्रीफेस में उनका जिक्र किया, तो क्यों नहीं किया जिक्र? वो महत्वपूर्ण है, मुझे मिलने आई, कामोली बात है कि 8 बरस के मिलने के आई, तो मैंने कोई गुनाह किया लिखने के लिए? असलियत लिखी है। और प्रियंका गांधी पे क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही पहले आपसे समय लिया मिलने का और आप मिलने को राजी हो? देखिए मैंने कह दिया किताब में कि वो, मैं समझता हूं कि बहुत ही आलीशान लेडी है, खूबसूरत तो है ही, झलक है उनकी दादी की, उनको अच्छा रिलेट करती है लोगों से, कम्युनिकेट अच्छी करती है,
कई गांधी परिवार के कई लोगों से आपका वास्ता रहा है पूरे आपके राजनीतिक करियर में, किनको द बेस्ट आप मानते हैं? देखिए परिस्थिति अलग अलग होती है। पंडित के जमाने में एक प्रॉब्लम जो हुई थी, भाई स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे गांधी जी के बाद, दो 10 साल जेल में रहे तो उनका तो वैसे ही पहले नाम था, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तभी नाम होता था। 17 साल एक देश को चलाया, कोई कामयाब बात नहीं है। आपको डेमोक्रेसी दी, आपको सेकुलरिज्म दिया, आपको प्लूरिज्म दिया, आपको जितने डैम्स हैं वो बनवाए, जितने स्टील प्लांट बनवाए, IIT खोली, एटम को एनर्जी का वो किया, तो ये काम कम बात है। ये नहीं कह रहा गलती नहीं है, मेरे ख्याल बहुत आलिशान प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े इंसान थे, मगर फॉरेन पॉलिसी में गलतियां कर गए। अब इंदिरा जी के जमाने में देखिए पंडित जी कौन मुखालफत करता सन 1962 से पहले। इंदिरा जी के तो 66 से लेकर 69 तक सिंडिकेट हावी हुआ था उनको, उनको हर इंच पर लड़ना पड़ा फिर हटा लीजिए, उसके बाद सुप्रीम ताकत आई उनकी। राजीव कितनी मुश्किल करनी पड़ी तो उसके बाद ही वो आए, तो सोनिया जी को तो कोई मुश्किल नहीं करनी पड़ी। तो सर आंखों पर कांग्रेस ने कहा कि आइए आप, और आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। आपको लगता है कि जो लेगेसी है गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 44 सीटों पर कांग्रेस पहले ही आ गई है, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, आगे किस तरह की चुनौती कांग्रेस के लिए देखते हैं? देखिए अगर ये चुनाव है स्टेट्स के अंदर 4 या 5 दिसंबर नवंबर में, अगर कांग्रेस की सीटें अच्छी तरह आ जाती है तो एक सिनारियो बनता है जी। और अगर नीचे चली जाती है दूसरा सिनारियो बनता है, अगर दूसरा सिनारियो है तो और मुश्किल होगी कांग्रेस पार्टी। पर इसके बावजूद सोनिया गांधी अध्यक्ष रहेंगी, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। नटवर सिंह साहब समय से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर, और कांग्रेचुलेशन किताब के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने बुलाया आपसे बातचीत करने के लिए।